आज हम बनाने जा रहे हैं तवा पनीर बर्गर। ये काफ़ी आसानी से बन जाता है, इसमें कोई टिक्की विक्की बनाने की झंझट नहीं है। ये तवा पनीर बर्गर फटाफट ही बन जाता है और इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं खुशी, बनवाल किचन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम बर्गर की स्टफिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और पैन को थोड़ा गर्म कर लिया है। इसमें हम एक टीस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम एक टेबल स्पून बटर डालेंगे और बटर को थोड़ा मेल्ट कर लेंगे। बटर को हमें जलाना नहीं है। यहाँ बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है तो अब हम इसमें 6 से 7 लहसुन की बारीक कटी हुई कलियाँ ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम रखेंगे। इसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें थोड़ी देर के लिए सौते करना है। हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे जब तक ये थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। तो प्याज यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। इसके बाद हम इसमें 1/4 कप कटा हुआ कैप्सिकम ऐड करेंगे और मैंने यहाँ पे 1/4 कप रेड कैप्सिकम भी लिया है, मैं उसे भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कैप्सिकम का यूज़ कर सकते हो। इसके साथ ही हम यहाँ पे 2 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया था। सारी चीज़ों को हम मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि सारी सब्जियाँ सॉफ्ट हो जाए। मैं जितनी क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ इतनी क्वांटिटी में 3 से 4 बर्गर इजली बन जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं तो अब हम इसमें एक एक करके मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, फिर इसमें जाएगा 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। स्टफिंग को और भी चटपटा बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला। फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक, नमक आप यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना। सारे मसालों को ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए हम इसे थोड़ी देर और पका लेंगे। हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो यहाँ पे जब सारी चीज़ें अच्छे से पक जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस। अगर आप थोड़ा और स्पाइसी बर्गर बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे 1 टेबल स्पून सेजवान सॉस भी ऐड कर सकते हो। और अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप यहाँ पे मिर्च अवॉइड भी कर सकते हो। यहाँ हमारा स्टफिंग तो रेडी हो गया बट मैंने तो अभी पनीर ऐड करा ही नहीं। तब हम इसमें 1/2 कप पनीर ऐड करेंगे। इसे मैंने छोटे छोटे स्क्वायर शेप में कट कर लिया था ताकि बर्गर की स्टफिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मिक्स कर ली है। इसके बाद हम इसे थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम हम यहाँ पे बंद कर देंगे और हमारी स्टफिंग यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना अपीलिंग दिख रहा है। चलिए अब हम बर्गर की स्टफिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टफिंग है और यहाँ पे मैंने एक बर्गर बन लिया है। तो सबसे पहले हम बर्गर बन को पीस से कट कर लेंगे। ये काफ़ी ईजिली कट जाता है और कुछ पैकेट्स में ये कटा हुआ भी आता है। तो यहाँ पे मैंने बर्गर बन को कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टफिंग रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 तरह की सॉस ली है। एक सॉस को मैंने घर पे ही मेयोनीज और केचप के साथ मिक्स करके बनाया था, इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। और दूसरा मैंने यहाँ पे मार्केट का मस्टर्ड सॉस लिया है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग भी सॉस कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सॉस लेंगे और इसे चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे केचप और मेयोनीज का मिक्स किया हुआ सॉस लिया है, इसे भी हम अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो हमें स्टफिंग बहुत अच्छे से करनी है। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून स्टफिंग ले रही हूँ और इसे मैं बर्गर बन पे स्प्रेड कर रही हूँ। आप इसे स्पून से अच्छे से प्रेस कर देना। और फिर मैंने यहाँ पे दूसरा वाला बन भी लिया है और इसे ऊपर से प्रेस कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा बर्गर रेडी हो चुका है लेकिन ये अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और पैन में थोड़ा बटर डालेंगे। बटर को हम मेल्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। आप इस तरीके से एक बार बर्गर ज़रूर ट्राई करना। फिर हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम बर्गर को उल्टा करके इसमें सेक लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे हाथों से इस तरीके से चारों तरफ घुमा रही हूँ ताकि बर्गर ऊपर की ओर अच्छे से सिक जाए। जब ये ऊपर से सिक जाए तो फिर हम इसे पलट देंगे और इसे नीचे की ओर से भी सेक लेंगे। ऐसा करने से बर्गर बन दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएगा और स्टफिंग का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हमारा बर्गर बनकर रेडी हो चुका है, हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको इसे कट करके भी दिखा देती हूँ कि अंदर से कितना अच्छा स्टफिंग इसका रेडी हुआ है और ये बर्गर कितना अपीलिंग बना है। तो आप देख सकते हो हमारा क्विक बनने वाला बर्गर बनकर बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।